गायिका हर्षिता दहिया हत्या मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। ये फुटेज दिल्ली के नरेला में हर्षिता के घर के पास लगे कैमरे से मिली है, जिसमें हर्षिता के घर से निकलते हुए यहां पर फुटेज देखी जा सकती है। हर्षिता 2015 से नरेला के इसी घर में रह रही थी। हर्षिता की हत्या के बाद कोई पड़ोसी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सुबह करीब 9:37 की ये फुटेज है, जब घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रही है हर्षिता। जो आसपास के लोग हैं वो यहां पर हर्षिता की हत्या के बाद किसी भी तरह का कोई बयान देने से या कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हर्षिता 2015 से नरेला के इसी घर में रह रही थी। तो नरेला के घर से निकलती हुई दिखी है यहां पर हर्षिता। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी सीसीटीवी फुटेज की है। हरियाणवी गायिका हर्षिता दहिया हत्या मामले में ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, और ये फुटेज दिल्ली के नरेला में हर्षिता के घर के पास लगे हुए एक कैमरे से मिला है। इस फुटेज में हर्षिता घर से बाहर निकलती हुई दिख रही है। आपको बता दें, ये वही घर है जहां पर हर्षिता साल 2015 से लगातार रह रही थी। हर्षिता की हत्या कर दी गई, इसके बाद जो पड़ोसी वहां पर रह रहे हैं, जिनके आसपास वो रहा करती थी, वो इस हत्या के बाद किसी भी तरह की कोई बातचीत करने से साफ इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता मुकेश राणा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, ये सीसीटीवी फुटेज नजर आया है जहां पर हर्षिता अपने घर के बाहर निकल रही है, क्या किसी तरह की मदद मिल पा रही है पुलिस को इस फुटेज के आधार पर? देखिए, जो सीसीटीवी है वो पुलिस ने जो है ले लिया है, और कुछ मीडिया वालों को हम ये प्राथमिक तौर पर जो है अपने दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं। और जहां तक की अभी शव की बात है, वो शव जो है वहां पर उसके नरेला के स्वतंत्र नगर में घर पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि शव अभी तक जो है वो किसी ने लेने के लिए आगे नहीं आया, घर वाला जी। और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो आखिर क्यों किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं? मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हत्या कर दी गई है एक लड़की की, किस वजह से, आखिर क्या दबाव है कि इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं वो लोग? देखिए, आसपास लोगों का ये कहना है कि ये जो लोकल जो गांव जो वहां पर जो है रूढ़िवादी सोच के लोग जो ज्यादा रहते हैं, उनका ये कहना है कि ये डांस से जुड़े हुए जो प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी हर्षिता, तो ये आसपास के बच्चों पर गलत प्रभाव डालेगी, जिसको लेकर वो उससे कम ही बात करते थे लोग, और इसी वजह से वो यही बात है कि कोई भी सामने नहीं आ रहा बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह की धारणा वहां के लोगों की है कि बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बात की भी नहीं जाती थी, और अब इतना बड़ा हत्याकांड हो जाने के बाद भी उस बारे में बात करने से बच रहे हैं वहां के लोग। सीसीटीवी फुटेज जो है वो फिलहाल पुलिस के पास है, कोशिश की जा रही है खंगालने की किस वक्त का है, इस दौरान जब घर से बाहर हर्षिका निकली थी तो कहां जा रही थी।